हमारे साथ हज़रत उमर फारूक हैं और वो डीन हैं मैनेजमेंट साइंसेस के। आपने सेशन अटेंड किया, कैसा था और उसको बेहतर कैसे बना सकते हैं? जी, मेरे ख्याल में ये बेहतरीन जो है इंटरेक्शन हुआ स्टूडेंट्स के साथ, और जो मेन फोकस था जिस चीज़ पे जिसने हमें बहुत मुतासर किया कि इस नुक्ते पर कि किस तरीके से टू इनकलकेट अ हैबिट ऑफ थिंकिंग इन द स्टूडेंट्स, के टू मेक देम रियलाइज दैट ओनली द फर्स्ट स्टेप इज़ द हार्डेस्ट और अ वेरी ब्राइट फ्यूचर अवेट्स यू इन दिस एरिना। तो उस सिलसिले में जो आपने बार बार उनको बताया और उनके तमाम सवालात का जो पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन था वो यही था कि जी लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, लैक ऑफ कैपिटल, लैक ऑफ सपोर्ट। लेकिन आपने उनको बहुत अच्छे तरीके से बताया कि आप अपने इर्द गिर्द देखें तो यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और यहाँ पर हज़ारों की तादाद में जो है ऐसे आउटलेट्स हैं जिनको सर्विसेज की ज़रूरत है। तो बजाय ये कि सिर्फ इस चीज़ पे फोकस किया जाए कि ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड किसी काम का नाम बिज़नेस है, बल्कि अगर आपने जिस तरह उनको बताया कि सर्विस ओरिएंटेड सेक्टर जो है ये बहुत ही निगलेक्टेड जो है पार्ट है यहाँ पर, और उसमें हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोग जो है वो एब्जॉर्ब हो सकते हैं, लेकिन उस इनिशिएटिव और उस डायनामिज्म की ज़रूरत है सिर्फ जो इस वक्त लैक कर रही है, और वो तभी होगी जब आपने उनको मिसालें दी कि मशहूर लोग जो हैं उन्होंने भी पहला स्टेप लिया और पहले स्टेप की बुनियाद पे अब वो जो है वो मिलेनियर्स हैं, बिलेनियर्स हैं, और एक आपने उनको ये मिसालें दी कि वो सेल्फ एक्चुलाइजेशन का जो प्रोसेस है कि वो वापस फिर रीपे कर रहे हैं सोसाइटी को। तो वजह ये कि उनको ये चीज़ रियलाइज़ मेरे ख्याल में तो हुई, हमें तो हुई कम अज़ कम, कि बजाय ये कि दुनिया को आदमी चेंज करे तो सबसे वाई नॉट टू स्टार्ट टू बिगिन विद आवर ओन सेल्फ, कि हम पहले अपने आप को तब्दील करें और फिर अपने फैमिली के बारे में सोचें और फिर मुल्क और कौम के बारे में सोचें। मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त जो है ये सेशन रहा। बेहतर कैसे बना सकता हूँ मैं अपने आप को? बेहतर इस तरह बनाया जा सकता है कि इसको थोड़ा सा अगर फॉर्मलाइज कर लिया जाए, जैसे जो टाइम मैनेजमेंट है इसका, मिसाल के तौर पे आपने बहुत अच्छे तरीके से वो पहले ग्रुप को बुलाया, लेकिन वो जो है थोड़ा सा उस क्राइटेरिया पे पूरे नहीं उतर रहे थे, लेकिन जब आपने दूसरा ग्रुप वो किया उनको बुलाया तो वो फिर बहुत अच्छा इंटरेक्शन हुआ स्टूडेंट्स के साथ, वो जो इमेजिनरी हमने वो कंपनी बनाई और इंटरेक्शन वो बहुत। तो अगर ये थोड़ा सा पहले से प्लान हो मेरा ख्याल है ऑर्गेनाइजर्स के साथ तो थिंग्स वुड प्रोसीड इन अ वेरी स्ट्रीमलाइन फैशन। थैंक यू सर। थैंक यू।